नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज 7 नवंबर और 7 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ जो भी महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चन हैं हम उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन सॉरी उद्घाटन किसने किया है? तो किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में 5वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ या उद्घाटन हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का जो आयोजित हुआ है वह कहां पर किया है, कहां पर हुआ है? तो हुआ है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के स्थान पर, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में इसका आयोजन हुआ है। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसे कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल है शिमला और यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर और यहाँ के हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं भंडारी दत्त जो धारी हैं, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का जो आधिकारिक लोगो लॉन्च हुआ है वो किसने लॉन्च किया है, कहां पर हुआ है? तो ये भारत में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SACEP की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक आयोजित की गई, तो कहां है? ढाका में की गई है, ढाका में की गई है। जिसकी देखते हैं SACEP की फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम है इसकी फुल फॉर्म। और ये जो ये है इसके जो कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो ये है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 किसने जीता है? तो किसने जीता है, जीता है सारा दमन जानोविक ने जीता है। और ये जो हुआ था एशिया ग्लोबल ये कहाँ पे हुआ था, तो हुआ था केरल के कोच्चि नामक स्थान पर, कोच्चि में हुआ था। कोच्चि कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सूडान के पहले उपग्रह प्रक्षेपण किया है? तो सूडान का एक सेटेलाइट अभी उपग्रह लॉन्च हुआ, वो किस देश ने किया, तो किया है चीन ने। अब चीन ने किया तो चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग है, बीजिंग यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ करेंसी क्या है, रेनमिंबी यहाँ की करेंसी है। और यहाँ प्रेसिडेंट कौन है, तो है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बंजर भूमि मानचित्र 2019 के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 2022 तक 30 गीगावाट करने की घोषणा की है? तो 30 गीगावाट 2022 में करने की घोषणा की है गुजरात ने। और अभी करंट में यहाँ जो अक्षय ऊर्जा हो कितनी है, तो है 9,670 मेगावाट है, जो कि 2022 तक यहाँ पर 30 गीगावाट करने की घोषणा कर दी गई है। अब बात आई है गुजरात की कैपिटल क्या है, यह गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है, विजय रूपाणी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यह आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री धरन पिल्लई ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ली है मिजोरम ने, मिजोरम के नए जो राज्यपाल बने हैं वो बने हैं श्री धरन पिल्लई जी ने। और इसकी जो मिजोरम की राजधानी वो कौन है, तो वही आइजोल मिजोरम की राजधानी है। और यहाँ के सीएम है वो है जोराम धंगा यहाँ के सीएम है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो श्री धरन पिल्लई अभी तो करंट में ही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जंगलों को सुधारने के लिए फ्रांस के साथ 400 करोड़ रुपये का समझौता किया है? तो किया है असम सरकार ने एक समझौता किया है। और असम की कैपिटल क्या है, तो है दिसपुर। और यहाँ के सीएम कौन है, तो है एस सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं
जगदीश मुखी। और यहाँ का जो एक पार्क है काफ़ी प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम का है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान समागम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है, तो किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। और ये कहाँ हुआ है, तो कोलकाता के हुगली में हुआ है। दोस्तों कल की वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला देश कौन बना है, तो जो विश्व में हाल ही में जो जारी हुआ है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार वाला है, तो उस लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका के पास इस समय सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार है। दोस्तों आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो चार ऑप्शन है, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 या 5 नवंबर। जो भी इसमें से जो भी ऑप्शन सही हो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।